दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर बुधवार को मुख्यमंत्री आवास के पास धरना प्रदर्शन किया। एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन के बैनर तले हुए इस धरना प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सफाई कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की और लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। इसके साथ ही मांगे पूरा नहीं किए जाने पर अनिश्चितकाल धरना और हड़ताल की चेतावनी भी दी। एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष आरबी उटवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव प्रचार के दौरान ये वादा किया था कि अगर उनकी सरकार एमसीडी में बनती है तो कच्चे कर्मचारियों को तुरंत पक्का किया जाएगा और जितने भी लंबित मांगे हैं उसे पूरा की जाएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद सफाई कर्मचारियों की कोई भी मांगे पूरी नहीं की गई है। उन लोगों ने मेयर सैली ओबराय से भी मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। उटवाल ने कहा कि सभी लंबित मांगों को लेकर निगम सफाई कर्मचारी एकजुट हैं। अगर इन मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो एक बार फिर सफाई कर्मचारी आंदोलन को मजबूर होंगे। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो हड़ताल पर भी जाया जाएगा। उटवाल ने आम आदमी पार्टी के पार्षद और विधायक के कार्यालय का घेराव करने की भी बात कही है।